नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी एच स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए है, यानी जिन्होंने बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम दिया था 2020 का और जिनका एडमिशन हो चुका है इस बार 2020 के सत्र में, यानी जिन्होंने भी 2020 में बीएचयू में एडमिशन लिया है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको थंबनेल देख करके ही पता चला होगा कि अगर आपको बीएचयू में हॉस्टल्स नहीं मिलते हैं, यानी आप सभी को पता है कि बीएचयू जो है वो सभी को हॉस्टल नहीं दे पाता है, और खासकर इस बार कोरोना काल चल रहा है तो इस बार जब हॉस्टल अलॉटमेंट शुरू होगा तो हो सकता है कि सिंगल रूम अलॉट हो सभी को, यानी एक रूम में सिंगल पर्सन अलॉट होगा, तो वैसे भी जो हॉस्टल की सीटें हैं वो लगभग 50% आधी हो जाएंगी। और वैसे भी बीएचयू में सारे छात्रों को हॉस्टल नहीं मिलता है, जैसा कि आपका सारे कोर्सेज में कहूँ तो सभी को हॉस्टल नहीं मिल पाता है, किसी में 50% लोगों को हॉस्टल मिलता है, किसी में सिर्फ 30% लोगों को हॉस्टल मिलता है। तो अगर आपको बीएचयू में हॉस्टल नहीं मिलेगा, जो बीएचयू के कैंपस का हॉस्टल अगर आपको नहीं मिलता है, तो आप हॉस्टल कहाँ लेंगे? आपको हॉस्टल, रूम और फ्लैट, ये तीन चीज़ें होती हैं। यानी आपको रूम कहाँ पर अच्छा मिलेगा और सस्ता मिलेगा, हॉस्टल अगर आप लेना चाहते हैं प्राइवेट तो कहाँ पर अच्छा मिलेगा और सस्ता मिलेगा, अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहना चाहते हैं तो आपको फ्लैट कहाँ पर अच्छा मिलेगा और सस्ता मिलेगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, एक एक पर्टिकुलर प्लेस बताते जाऊँगा मैं और उसके अकॉर्डिंग बताते जाऊँगा कहाँ पर लगभग कितना खर्चा हो सकता है, कितना सस्ता है, कितना कौन सा महंगा है, इन सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। इसलिए वीडियो इसको स्किप नहीं कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो जरूर करेंगे, क्योंकि जिनका भी एडमिशन हुआ होगा 2020 में उन्हें ज़रूरत होगी हॉस्टल लेने की, इसलिए आप सभी एक दूसरे को शेयर करते रहें। और कमेंट बॉक्स में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि मुझे पार्टनर की ज़रूरत है। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर पर्सन देख रहा है, अगर आप लिखते हैं हमें पार्टनर की ज़रूरत है, हो सकता है अगला आपको रिप्लाई कमेंट में देगा कि हाँ मैं तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ, मैं यहाँ से हूँ। आप लोग अपना कॉन्टैक्ट एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं और एक अच्छा माध्यम बन सकता है कि आप सभी अच्छे से एक दूसरे के अच्छे पार्टनर पा सकते हैं, क्योंकि डबल सीटर हॉस्टल में अगर आप जाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर पार्टनर का चयन करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, जो हमारा मेन मुद्दा है मैं आपको समझा देता हूँ कि कहाँ पर हॉस्टल कितना सस्ता मिलेगा, कैसा रूम मिलेगा और कितना पैसा लगेगा, कितना डिस्टेंस, इन सारी चीज़ों को आज के वीडियो में एकदम अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि बीएचयू के नज़दीक, यानी बीएचयू के आसपास, यानी बीएचयू का आपका लंका गेट है, चित्तूपुर गेट है, सीर गेट है, इधर नरिया गेट है, करौदी गेट है, हैदराबाद गेट है, ये सारे बीएचयू के गेट हैं और जो मेन गेट है वो लंका गेट है। तो इन सारे गेट के नज़दीक आपको हॉस्टल, रूम, फ्लैट कहाँ पर मिल सकता है, उसके बाद सस्ता और अच्छा, यानी सस्ते में कम कॉस्ट में आपको बेहतर हॉस्टल कहाँ कहाँ मिलेगा, इस चीज़ को लेकर के डिस्कस करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैं चार पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है, लंका, रविदास गेट, संकट मोचन, दुर्गा कुंड, इसको मैंने एक पार्ट में रखा है, दूसरा नरिया और सुंदरपुर को मैंने एक पार्ट में रखा है, तीसरा करौदी और हैदराबाद गेट को मैंने एक पार्ट में रखा है, और इधर भगवानपुर, सामने घाट, छित्तूपुर और सीर गेट को मैंने एक पार्ट में रखा है। यानी चार पार्ट में मैं अभी आपको समझाऊंगा एकदम डिटेल में, अच्छे से समझिएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले लंका, ये जो लंका मैं बात कर रहा हूँ ये है बीएचयू का मेन गेट, ये जो लंका मैं बता रहा हूँ लंका पे आपका बीएचयू का मेन गेट है, और लंका के आसपास चारों तरफ आपको हॉस्टल मिल जाएगा, जैसा कि आपका ये V2 मार्ट है उसके पीछे हॉस्टल्स हैं, फिर आपका इधर हेरिटेज हॉस्पिटल के साइड है, यानी रविदास गेट से पहले जैसे आप आते हैं कहीं से भी तो रविदास गेट पड़ता है, रविदास गेट के बाद आपको लंका गेट पड़ता है बीएचयू का, तो वहाँ पर आपको हॉस्टल्स मिलेंगे। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ, चाहे वो गर्ल्स के लिए चाहे बॉयज़ के लिए, आपके हॉस्टल का जो कॉस्ट होगा वो लंका यानी मेन गेट के पास अगर आप लेते हैं तो आपका वो कॉस्ट ज़्यादा होगा, लगभग 7,000 के आसपास आपको अगर हॉस्टल लेती हैं गर्ल्स तो उनके लिए उनका सस्ता पड़ेगा, बॉयज़ का लगभग 7,000 पड़ जाता है, 6,000 से 7,000 के बीच में, गर्ल्स का लगभग 5,500 के आसपास पड़ेगा, और उसके बाद कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कितना महंगा होगा कितना सस्ता होगा। तो इसलिए लंका के आसपास अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो वो महंगा होगा। हाँ, रूम सिस्टम में अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए सस्ता पड़ेगा, अगर आपको खाना बनाने आता है खाना बनाइए या फिर टिफिन आप कर सकते हैं। और भी मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक चीज़ अभी मैं डिटेल करूँगा, उससे पहले आपको बता दूँ कि जो बीएचयू के हॉस्टल्स के जो मेस हैं, अभी तो फिलहाल बंद हैं कोरोना काल में, लेकिन बीएचयू के हॉस्टल के जब मेस खुलेंगे तो उसमें चाहे आप हॉस्टलर हो चाहे नॉन हॉस्टलर हो, यानी आप बीएचयू के हॉस्टल में रहते हैं या फिर बाहर में रहते हैं, आप कोई भी आकर के बीएचयू के किसी भी मेस में खाना खा सकते हैं। वहाँ पर अपना पेमेंट करके 40 रुपये का डाइट होता है, वो डाइट देकर के आप बेहतर तरीके से जितना खाना चाहें आप खा सकते हैं, उसमें लिए आपकी कोई पाबंदी नहीं है कि आप हॉस्टलर होने चाहिए, ऐसा कुछ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। दूसरा है आपका रविदास गेट, लंका हो गया आपका, उसके रविदास गेट यानी लंका गेट से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे सामने की तरफ निकलेंगे तो वहां पर आपका रविदास गेट पड़ता है। रविदास गेट से थोड़ा आगे जाएंगे तो उधर 80 वाला रोड चला जाता है, 80 घाट वाला, और रविदास गेट से अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपका रविदास पार्क होते हुए उधर पूरी कॉलोनियां बनी हुई है। तो रविदास गेट के आसपास आपको बीएचयू के नज़दीक काफी पड़ेगा, लगभग मुझे लगता है कि टोटल आपका
800 मीटर से 1 किलोमीटर के रेंज में आपका बहुत सारे हॉस्टल्स वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ का भी कॉस्ट मैं कहूँ तो काफ़ी सस्ता नहीं रहेगा आपको, वहाँ का भी कॉस्ट आपको लंका गेट के बराबर ही पड़ेगा, इसलिए लंका, रविदास ये सब लगभग बराबर प्रेफरेंस में रहेंगे। उसी प्रकार आपके दो और ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, संकट मोचन और दुर्गाकुंड। संकट मोचन के पीछे, यानी जो संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है उसके पीछे कॉलोनी बनी हुई है बहुत सारी, वहाँ पर बहुत सारे हॉस्टल्स मिलते हैं खासकर गर्ल्स के लिए। संकट मोचन के पीछे पूरी कॉलोनी बनी हुई है, गर्ल्स हॉस्टल बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, आप गर्ल्स हॉस्टल ले सकती हैं। वहाँ पर कॉस्ट भी आपको नॉर्मल अच्छा खासा पड़ जाता है, ठीक पड़ेगा गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए जरूर महंगा पड़ेगा। गर्ल्स के लिए बहुत ही बेहतर कॉलोनी है संकट मोचन के पीछे। और दुर्गाकुंड जरूर दूर पड़ता है, लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा बीएचयू के मेन गेट से, लेकिन आपके लिए ये जो कॉलोनी है वो काफ़ी बेहतर है, अच्छी कॉलोनी है, डेवलप है, और जैसे कहते हैं डेवलप सोसाइटी होती है, तो वो संकट मोचन के पीछे और दुर्गाकुंड में डेवलप सोसाइटी आपको मिलेगी। तो खासकर गर्ल्स के लिए ये दोनों प्लेस काफ़ी बेटर है। मैं बॉयज़ को नहीं प्रीफर करूंगा क्योंकि बॉयज़ और बाकी जो मैं प्लेस बताऊंगा वहाँ पर भी रह सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए काफ़ी प्रीफर्ड जगह हो सकती है संकट मोचन, दुर्गाकुंड। दूर जरूर है लेकिन बेहतर बेहतर स्पेस है, बेहतर सोसाइटी है। अब बात करता हूँ नरिया और सुंदरपुर। नरिया और सुंदरपुर ऑप्शन उनके लिए बेहतर है जिनका, खासकर आप अगर नरिया गेट से एंट्री करते हैं, बीएचयू का लंका गेट जो है उससे जब आप बाएं साइड आएंगे, यानी लंका गेट के अगर खड़े हैं आप और सामने की तरफ देख रहे हैं, तो जब आप बाएं साइड देखेंगे तो उधर नरिया और सुंदरपुर की साइड जाता है। तो नरिया गेट के आसपास आपको फ्लैट, नरिया और सुंदरपुर दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, नरिया और सुंदरपुर आपको फ्लैट और रूम काफ़ी मिल जाएंगे। नरिया गेट के आसपास आपको अच्छे रूम मिल जाएंगे और नज़दीक, सबसे नज़दीक मैं मानूँ इधर आर्ट्स फैकल्टी जाने के लिए, आर्ट्स फैकल्टी के हॉस्टल्स की तरफ जाने के लिए, तो आपका नरिया गेट काफ़ी इजी पड़ेगा और अच्छे फ्लैट, अच्छे हॉस्टल्स मिल जाते हैं। कॉस्ट भी लगभग आपका मॉडरेट रहता है, सुंदरपुर में आपका कॉस्ट भी मॉडरेट रहेगा और नरिया में भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रूम और फ्लैट मिलते हैं। यानी सुंदरपुर और नरिया का अगर आपको लोकेशन लेना है, तो आपको फ्लैट अगर रूम लेना है तो सुंदरपुर और नरिया बेटर हो सकता है। सुंदरपुर लेकिन यही है कि थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन एक बार फिर से बताता हूँ सुंदरपुर की जो सोसाइटी है वो काफ़ी डेवलप्ड है, यानी अगर आपको अच्छी सोसाइटी में रहना है तो आप सुंदरपुर थोड़ा सा अगर दूर जा सकते हैं, लगभग ये भी 2.5 से 3 किलोमीटर आपका पड़ेगा, लेकिन अगर लड़के अगर फ्लैट लेना चाहते हैं, रूम लेना चाहते हैं, तो आप सुंदरपुर में जा सकते हैं फ्लैट के लिए। फिर अगला है करौदी और हैदराबाद। करौदी गेट के आसपास आपको उतने रूम नहीं मिल पाएंगे, यानी करौदी गेट जो मेन है आपका वहाँ पर रूम नहीं मिलता है, करौदी गेट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे हैदराबाद गेट के साइड। ये मैं सारे आपको इसलिए बता दे रहा हूँ, आपके माइंड में ये रहना चाहिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, लाइक करके रखिएगा, और जिससे आप जब रूम खोजने आएंगे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। करौदी गेट मैंने बताया, आप किसी से पूछेंगे करौदी गेट के आसपास जो कॉलोनी है वहाँ पर आप पता कर लेंगे। तो जो आपका करौदी गेट है वहाँ पर आपको करौदी गेट के सामने नहीं मिलेगा, करौदी गेट से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वो बीएचयू का गेट है, तो आगे बढ़ेंगे तो आप सीधे जब निकलेंगे तो आपके लिए बहुत सारी कॉलोनी बनी हुई है करौदी गेट के आसपास। और उसी प्रकार करौदी गेट से थोड़ा और आगे बढ़ के आएंगे तो आपको हैदराबाद गेट मिलेगा। हैदराबाद गेट पर आपको नॉर्मल कॉस्ट में बहुत अच्छे अच्छे रूम, बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट मिल जाएंगे। करौदी गेट के पास जो कॉलोनी जाती है जो मैं बता रहा हूँ आगे बढ़ के, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे रूम, बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट मिल जाएंगे, चाहे वो गर्ल्स के लिए लेना हो, बॉयज़ के लिए लेना हो। हैदराबाद गेट बेस्ट मैं प्रीफर करूँगा आप सभी के लिए। दूर जरूर है, थोड़ा पीछे, यानी आईआईटी साइड में है जो हैदराबाद गेट है आपका, वो वीटी से पीछे होता है, यानी विश्वनाथ मंदिर जो है आपका आईआईटी साइड से आपको एंट्री करना होगा, यानी जो आर्ट्स फैकल्टी है, सोशल साइंस फैकल्टी है, वहाँ जाने के लिए थोड़ा सा आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास अगर साधन हो, अगर बाइक वगैरह आप रखना चाहते हैं, तो उनके लिए हैदराबाद गेट काफ़ी बेटर है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। अगर आपको फ्लैट सिस्टम में रहना है, रूम सिस्टम में रहना है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूम आपको मिलता है बीएचयू के हैदराबाद गेट के आसपास और करौदी गेट से आसपास अगर आप लेते हैं, तो ये काफ़ी बेटर होगा। कॉस्ट भी काफ़ी मॉडरेट रहती है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है जो आर्ट्स सोशल के होंगे, अगर आपके पास साधन होगा तब इसको प्रीफर कीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज मुझे लगता है कि आप उधर जाएंगे, इधर हैदराबाद गेट साइड आते हैं तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है अगर पैदल आप ट्रैवल करेंगे। इधर आईआईटीज है, फिर इधर आपको वीटी होते हुए जाना पड़ेगा, इसलिए आर्ट्स फैकल्टी सोशल फैकल्टी काफ़ी दूर पड़ जाएगी। बाकी इधर आईआईटी के आसपास जो फैकल्टीज हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए हैदराबाद और हैदराबाद गेट सबसे बेटर ऑप्शन है। अगला ऑप्शन आपके लिए है भगवानपुर, सामने घाट, चित्तूपुर और सीर गेट। ये जो मैंने चार लिखा हुआ है, तो ये जैसे ही आप जो बीएचयू का गेट है, यानी मान लीजिए ये बीएचयू का गेट पीछे बना हुआ है, बीएचयू के गेट के पास आप खड़े हैं, यानी बीएचयू के गेट पर आप सामने खड़े हो गए, सामने देख रहे हैं, तो इधर मैंने जैसा कि बताया आपको नरिया और सुंदरपुर है, उसी प्रकार इस साइड में अगर आप देखेंगे, यानी हमारे दाहिने साइड में आप बीएचयू के गेट के पीछे बीएचयू की तरफ पीछे करके खड़े हैं और सामने देख रहे हैं, तो आपके बाएं साइड में नरिया और सुंदरपुर के साइड और जाता है, सामने आपका रविदास गेट, संकट मोचन, दुर्गाकुंड जाएगा, इधर आपका रविदास कट जाता है और इधर जाएगा तो दुर्गाकुंड संकट मोचन चला जाएगा,
और इसी प्रकार मेरे जो दाहिने साइड यानी अगर आप सामने खड़े हैं तो दाहिने साइड जो है वो जाएगा आपका भगवानपुर, सामने घाट, छित्तूपुर और सीर गेट। किस प्रकार से जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आप दाहिने साइड देख रहे हैं तो सबसे पहला जो आपका स्पॉट पड़ेगा वो है भगवानपुर, जो BHU का ट्रामा सेंटर है, यानी BHU का जो सर सुंदरलाल हॉस्पिटल का जो ट्रामा सेंटर है उसके पीछे है आपका भगवानपुर की कॉलोनी है। बहुत अच्छी डेवलप्ड कॉलोनी नहीं कहूँगा, लेकिन सस्ते में आपको अच्छे रूम मिल जाएंगे और अच्छे खासे रूम आपको मिल जाएंगे। फ्लैट सिस्टम कम है वहाँ पर, लेकिन रूम और हॉस्टल्स आपको भगवानपुर में मिल जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ आप आगे बढ़ते हैं सामने घाट की ओर, यानी ये जो भगवानपुर मैंने बताया वहाँ ट्रामा पर आप रुके नहीं, ट्रामा से आगे बढ़ गए तो वो आपका हो जाएगा सामने घाट। सामने घाट में आपको रूम, फ्लैट, हॉस्टल्स तीनों मिल जाएंगे, नॉर्मल कॉस्ट में मिल जाएंगे, लेकिन दूरी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन आप अगर फ्लैट सिस्टम में रहना चाहते हैं, रूम सिस्टम में रहना चाहते हैं, हैदराबाद गेट की अपेक्षा नज़दीक रहना चाहते हैं तो आपके लिए सामने घाट बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब बात करूँ मैं छित्तूपुर की। छित्तूपुर आप जो भगवानपुर मैंने बताया सामने घाट से, तो जो मैंने बताया ट्रामा सेंटर के पीछे भगवानपुर, वहीं से भगवानपुर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो छित्तूपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन छित्तूपुर के लिए बेटर ऑप्शन क्या होगा, छित्तूपुर एक अलग से गेट है BHU का, यानी ये लंका गेट से जरूर दूर पड़ेगा। लेकिन जब आप छित्तूपुर में रहना शुरू कर देंगे इधर भगवानपुर से आगे बढ़ के, तो छित्तूपुर में रहने से क्या फ़ायदा होगा, छित्तूपुर का गेट है और छित्तूपुर का गेट सबसे नज़दीक है 800 सोशल फैकल्टी के। सारे जो BHU के गेट हैं उसकी तुलना में छित्तूपुर गेट आर्ट्स फैकल्टी और सोशल फैकल्टी के सबसे नज़दीक है। उसी प्रकार आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको साइंस फैकल्टी मिल जाएगी, थोड़ा सा आप आगे आएंगे कॉमर्स फैकल्टी मिल जाएगी। तो छित्तूपुर गेट की खासियत क्या है, यहाँ पर फ्लैट सिस्टम आपको कम मिलेगा, लेकिन हॉस्टल्स भी आपको बहुत अधिक छित्तूपुर नहीं मिलते। लेकिन अगर आपको सस्ते में रूम लेना है, सबसे सस्ते में अगर आपको रूम लेना चाहते हैं, यानी अगर आपके पास अधिक कॉस्ट नहीं है पे करने के लिए, तो अगर आप खाना बनाना जानते हैं या फिर टिफिन लगवा सकते हैं तो आप छित्तूपुर में अगर सस्ते में रूम ले सकते हैं। बहुत डेवलप्ड सोसाइटी नहीं है, लेकिन अगर आपको सस्ता रूम चाहिए, लगभग मुझे मैं बताऊं 1200 से लेकर के 2000 के बीच में आपको रूम मिल जाता है छित्तूपुर में। इसलिए जिन्हें सस्ता रूम लेना हो वो छित्तूपुर सबसे पहले प्रीफर आप कीजिएगा। डेवलप्ड सोसाइटी बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी सस्ते में बहुत ही बेटर है। फिर अगला ऑप्शन आ जाता है सीर गेट। सीर गेट BHU के लंका गेट से तो काफ़ी दूर है, लेकिन सीर गेट भी BHU का एक गेट है, यानी जैसे लंका गेट है, जैसे छित्तूपुर गेट है, उसी प्रकार सीर गेट भी BHU का एक गेट है। और ये जो आपका सीर गेट है वो आपका सेंट्रल लाइब्रेरी से आप आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको लंका से नहीं बता रहा हूँ, BHU के अंदर आप आए, VT आए, VT से सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी से आप आगे बढ़ेंगे सेंट्रल ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप सीर गेट की तरफ निकल सकते हैं। तो सीर गेट के साइड आपको रूम, फ्लैट, हॉस्टल्स तीनों ठीक ठाक रेट पर मिलेंगे, अच्छे मिल जाएंगे और सस्ते मिल जाएंगे। छित्तूपुर और सीर में अंतर क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। छित्तूपुर का जो कॉलोनी है वो काफ़ी कंजेस्टेड है, थोड़ा कस्बा टाइप का हो जाता है आपका छित्तूपुर। सस्ता यहाँ पर भी है और सोसाइटी बहुत अधिक डेवलप्ड नहीं है। सीर गेट में भी सस्ता है, सोसाइटी बहुत अधिक डेवलप्ड नहीं है, लेकिन सीर का ये है कि आपका जो सोसाइटी है वो कंजेस्टेड नहीं है, खुला खुला कस्बा है। और छित्तूपुर के मैक्सिमम जो कॉलोनीज है वो काफ़ी कस्बे टाइप की है, काफ़ी क्लोज्ड है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छित्तूपुर थोड़ा सा दिक्कत करता है। अगर आपको सस्ते में चाहिए और थोड़ा सा दूर जा सकते हैं तो सीर गेट को प्रीफर करेंगे। यानी अगर आपके पास अच्छा पेमेंट करने के लिए कॉस्ट है ठीक ठाक, अगर आप एक नॉर्मल मैं कहूँ कि अपर मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप आते हैं या फिर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप आते हैं तो लंका, रविदास, संकटमोचन, दुर्गाकुंड आप प्रीफर कर सकते हैं। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, इसमें कोई शर्माने की बात, हेजिटेट करने की बात नहीं है। अगर जो अपर मिडिल क्लास या फिर मीडियम मिडिल क्लास से आते हैं वो लंका, रविदास, संकटमोचन, दुर्गाकुंड प्रीफर कर सकते हैं, वो नरिया भी प्रीफर कर सकते हैं, वो सुंदरपुर भी प्रीफर कर सकते हैं। नरिया और सुंदरपुर भी आप प्रीफर करेंगे जो मीडियम मिडिल क्लास से होंगे। करौंदी और हैदराबाद जो मिडिल क्लास से होंगे या फिर अपर मीडियम मिडिल क्लास से होंगे या फिर मीडियम मिडिल क्लास से होंगे, यानी अपर मिडिल क्लास से लेकर के और नॉर्मल मिडिल क्लास तक अगर आप आते हैं, यानी मिडिल क्लास तक अगर आप आते हैं तो आप करौंदी और हैदराबाद सबसे पहले प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन हैदराबाद गेट रहने मैंने बताया कि आप अगर आर्ट्स फैकल्टी या फिर सोशल में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो हैदराबाद गेट पर अगर आपको रहना है तो अगर आपके पास बाइक वगैरह हो, कोई साधन हो, तो वो ज़्यादा बेटर है, साइकिल भी आपके लिए चलेगी। और अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, यानी मिडिल क्लास फैमिली से नीचे अगर आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बांध नहीं दे रहा हूँ कि आप अगर मिडिल क्लास से हैं, अपर मिडिल क्लास से हैं तो हैदराबाद ही लीजिए और लोअर से हैं तो आप भगवानपुर में लीजिए। अपर मिडिल क्लास वाले भगवानपुर में ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन मैं जो एक आंकड़ा बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ आपको एक्सप्रेस करने का, तो वो ये है कि भगवानपुर में आप और छित्तूपुर में और सीर गेट में अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपके लिए रूम बेटर मिल जाएंगे और सस्ते में आपको अच्छा रूम मिल जाएगा। भगवानपुर, छित्तूपुर, सीर गेट, सबसे सस्ता में छित्तूपुर, सीर गेट, फिर भगवानपुर, और ये सामने घाट भी आपके लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेटर होगा। यानी मैंने आपको एक प्रकार से समझा दिया डिस्टेंस क्या पड़ेगी और कैसे पड़ेगा। मैंने आपको बताया इधर सामने लंका गेट के आप सामने खड़े हैं तो सामने आपका लंका, रविदास,
इधर रविदास, इधर संकटमोचन और दुर्गा कुंड निकल जाएंगे आप। इधर गए बाएं साइड हमारे तो आप नरिया सुंदरपुर जाएंगे और वहीं नरिया से थोड़ा सा कटेंगे हैदराबाद और करौदी की साइड निकल जाएंगे। इधर आप जाते हैं तो आगे बढ़ेंगे ट्रामा सेंटर के पीछे आपका भगवानपुर, ट्रामा सेंटर आप नहीं रुकते हैं, सामने जाते हैं सामने घाट पहुंच जाएंगे और वही भगवानपुर के पीछे आप बढ़ेंगे तो छित्तूपुर और आपका सीर हो जाता है। और छित्तूपुर मैंने आपको बताया कि गेट है, बीएचयू का एक गेट है, सीर भी आपका बीएचयू का एक गेट है, इसलिए ये बाहर से आप देखेंगे तो हो सकता है डिस्टेंस ज्यादा लगे लेकिन फैकल्टीज की तुलना में आप देखेंगे तो ये दोनों गेट काफी आपको नजदीक नजर आएंगे, खासकर छित्तूपुर। और मैंने आपको बता दिया कि कॉस्ट के अकॉर्डिंग यानी किसको अपर मिडिल क्लास को क्या प्रीफर करना चाहिए, ये भी अपर मिडिल क्लास और मीडियम मिडिल क्लास प्रीफर कर सकते हैं, ये आपका अपर मिडिल क्लास, मीडियम मिडिल क्लास, मिडिल क्लास सभी प्रीफर कर सकते हैं। जो होंगे लोअर मिडिल क्लास है वो भगवानपुर, छित्तूपुर, सीर गेट और सामने घाट भी सभी प्रीफर कर सकते हैं। तो ये फिलहाल मैंने आपको एक आंकड़े के रूप में बता दिया कि बीएचयू के नज़दीक रूम हॉस्टल फ्लैट आपको कहाँ मिल सकता है, अच्छा और सस्ता आपको फ्लैट कहाँ पर मिल सकता है। यानी आप जब भी रूम देखने आइएगा, जब भी बीएचयू आपका कैंपस खुलेगा, जब भी आप हॉस्टल की खोज में, रूम की खोज में निकलिएगा तो इस वीडियो को लाइक करके रख लीजिए और सेव कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा कि मैं क्या बताया हूँ, कहाँ पर सस्ता है कहाँ पर महंगा है, उस हिसाब से आप जैसे ही कॉलोनीज के पास जाएंगे तो आपको बहुत सारे रूम मिल जाएंगे। फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर करें। और एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तैयारी जिन्हें करनी हो, आपके दोस्तों को, आपके जूनियर्स को, तो हमारे बीएचयू स्टडी कैपिटल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करा दीजिए और हमारा व्हाट्सएप नंबर 8005134079 और दूसरा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9336257345। इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पे से किसी पर भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपका कॉल किसी कारण से नहीं पिक होता है तो आप व्हाट्सएप करके मैसेज छोड़ दीजिए कि आपको एंट्रेंस एग्जाम 2021 की जो भी आपके साथी हो, जो भी आपके जूनियर हो, जिन्हें तैयारी करनी हो, उनसे बोल दीजिए कि व्हाट्सएप करके हमें छोड़ दें कि उन्हें किस कोर्स की तैयारी करनी है। बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस का कोर्स हमारा शुरू हो चुका है जिसकी प्राइस है 1999 रुपये, लेकिन अभी फिलहाल ऑफर प्राइस में 30% ऑफ है आपके लिए और 1399 रुपये में आपको ये कोर्स मिल रहा है। फिलहाल ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।